अस्सलाम वालेकुम पाइसिस, मैं हूं कनान चौधरी, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट। वीकली हॉरोस्कोप आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इस वीक की प्रेडिक्शंस और कैलकुलेशंस आपके सामने रखूंगा। जिस वीक की मैं बात करने जा रहा हूं आपके साथ, इस वीक का आगाज़ 30 जुलाई 2023 को होगा और अख्ताम 5 अगस्त 2023 को होगा। इस वीक में आपके लिए तीन डेट्स काफ़ी अच्छी रहने वाली हैं। एक तो 30 जुलाई की डेट आपके लिए अच्छी रहेगी पाइसिस, एक 1 अगस्त की डेट आपके लिए अच्छी रहेगी और 2 अगस्त की डेट भी आपके लिए अच्छी रहेगी। इस वीक में आपके लकी कलर्स रहेंगे वाइट और ऑफ वाइट, ये आपके लकी कलर्स रहेंगे। सदक़े की बात करूँ तो आप गंदम सदका कर सकते हैं, हसबे तौफीक सदका कर दीजिएगा, किसी भी गरीब को दे दीजिएगा वीक के आगाज़ में ही। इस वीक की बात करूँ पाइसिस आपके लिए, तो आप इस टाइम पीरियड में काफ़ी सारे नए आइडियाज़ के साथ लोगों की तलाश में हैं, जो आपके आइडियाज़ को सुनने के बाद उसको एक्सेप्ट कर सकें, और आप नई चीज़ों को तलाश भी कर रहे हैं। हो सकता है नए काम की तलाश में हों, नए बिज़नेस की तलाश में हों, या नए किसी भी क्या कहते हैं सोर्स ऑफ इनकम की तलाश में हों। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा नर्वस भी रहेंगे, एटमॉस्फेयर भी आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला बनता हुआ नज़र आ रहा है, स्पेशली अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो पाइसिस जॉब कर रहे हैं और सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए एफर्ट करना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट टाइम है। अगर आप जॉब करते हैं पाइसिस, तो जॉब के हवाले से या बिज़नेस के हवाले से कोई ना कोई नया आइडिया क्रिएटिव किस्म का आपको ज़रूर मिला होगा, जिसको लेके आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहे हैं। इसके अलावा इस वीक में आपको स्टडी के हवाले से नए मौके मिलेंगे, नई रिसर्च कर सकते हैं, नई चीज़ों पे काम करके अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं आप। फैमिली लाइफ आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम आपके लिए बनती हुई नज़र आ रही है, फैमिली मेंबर्स आपके ऊपर प्रेशर दे सकते हैं काम के हवाले से, ये थोड़ा सा मैनेज करना आपके लिए मुश्किल होगा, या अखराजात का बोझ आपके ऊपर रूटीन से ज़्यादा हो सकता है। लव हॉरोस्कोप की अगर मैं बात करूं तो ये वीक अपने लवर के साथ काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो जहाँ आपके फैमिली मेम्बर्स या कोलीग्स आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वहाँ पर आपका लाइफ पार्टनर आपको एक्सेप्ट करेगा, आपको हौसला देगा, आपकी बात को सुनेगा, तो रिलेशनशिप आपका इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है। स्पेशली जो पाइसिस नए नए रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज बनती हैं नज़र आ रही हैं। प्लैनेटरी पोजीशन बहुत फेवरेबल रहेगी, आपका रिलेशनशिप डे बाय डे बेहतर होता जाएगा। लव लाइफ को मैं आपकी रेट करूँगा 8.2 out of 10, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन आपको बहुत ज़्यादा फेवर दे रही है। फिनांस की अगर मैं बात करूं आपके लिए पाइसिस इस वीक के हवाले से, तो आप फिनांशियल डिसीजन लेते हुए थोड़ा सा घबरा रहे हैं इस टाइम पीरियड में, हालांकि आपको चेंजेस की ज़रूरत इसमें काफ़ी पेश आ रही है। इसके अलावा आप अपने मैटर्स को कॉन्फिडेंस को लैक करने की वजह से पोस्टपोन करना चाह रहे हैं, जो कि ज़्यादा अच्छा आपके लिए नहीं रहेगा। तो आपको अपने पैसों को अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए, जो आपको अपने फ्रेंड से दोस्तों से मिल जाएगा। लकी नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो 3, 5 and 7 आपके लकी नंबर्स रहेंगे। कंपैटिबल ज़ोडियक साइन इस वीक में आपके लिए रहेंगे जेमिनी और एक्वेरियस, जबकि सेजिटेरियस और वर्गो के साथ बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत आपको रहेगी। हेल्थ आपकी एवरेज रहती नज़र आ रही है, वर्क का लोड रूटीन से कम रहेगा, लक आपको काफ़ी फेवर दे रही है, मूड आपका एवरेज से बेटर रहता हुआ नज़र आ रहा है। सो पाइसिस, इस वीक की तमाम कैलकुलेशंस और प्रेडिक्शंस, लकी नंबर कलर मैंने आपके साथ शेयर किए, उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे रहनुमाई मिलेगी। अगर आप अपनी ज़ात के लिए ज़ाती बस चार्ट बनवाना चाहते हैं, रेमेडीज़ लेना चाहते हैं, प्रेडिक्शंस लेना चाहते हैं, या नेम के स्पेलिंग चेंज करवाना चाहते हैं न्यूमरोलॉजी के मुताबिक, तो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है, उस पे मैसेज करके प्रोसीजर को फॉलो कर लीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।